जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के मई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और मीन राशि के राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वो ही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर मीन राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं। ग्रहों के गोचर की स्थिति की बात करें तो सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में रहेंगे। इससे पहले उनका गोचर मेष राशि में होगा, जहां पर वो उच्च के होकर गोचर करेंगे। और मंगल 17 मई से मीन राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले उनका गोचर कुंभ राशि में रहेगा और बुध पूरा महीना मई के महीने में वृषभ राशि में ही रहेंगे और गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। और शुक्र 23 मई से मेष राशि में रहेंगे। इससे पहले उनका गोचर मीन राशि में होगा और शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे और राहु मेष राशि में रहेंगे और केतु तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो मित्रों, कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी मई के महीने में। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल की चर्चा करें तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो मीन राशि वालों के पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। और आपके जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं और गुरु का गोचर आपकी राशि में ही रहेगा, यानी मीन राशि में ही रहेंगे वो पूरे महीने। मीन राशि में ही गोचर होगा, पंचम भाव पर पंचम दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि होगी, नवम भाव पर नवम दृष्टि होगी। तो गुरु का ये गोचर आपके प्रेम संबंधों में बढ़िया परिणाम लाने वाला है। मीन राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ प्रेम संबंध मजबूत होंगे, प्यार भरी बातें होंगी, एक दूसरे को अपना ज्ञान भी देंगे आप लोग, यानी कि एक दूसरे से हर तरह से आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तालमेल बना रहेगा। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। हालांकि महीने के आखिर में थोड़ा बहुत आपको अपने व्यर्थ के वाद विवादों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई व्यर्थ का वाद विवाद ना हो इस बात का ध्यान रखें। और सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी और वहां पर मंगल और शुक्र भी युति करेंगे, तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह का कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों में सिंगल लोगों की, कि जो लोग सिंगल हैं उनको साथी मिलेगा, तो उनको साथी मिल सकता है मई के महीने में। प्रयास करके देखें और वो प्रपोज कर सकते हैं। उनके लिए पूरा महीना ऐसा है, वो कभी भी प्रपोज करके देख सकते हैं और उनको साथी मिल सकता है। और अगर आपका कोई साथी मित्रवत संबंध रखता है, यानी कोई आपका मित्र है, यानी आपका कोई मित्र है और आप उसको प्रेमी प्रेमिका बनाना चाहते हैं, आप प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जब आप चाहें तो प्रपोज कर सकते हैं, आपको साथी मिल सकता है। और जिन लोगों का प्रेमी प्रेमिका नहीं है लेकिन वो तलाश में हैं, तो उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंध इस महीने अच्छे रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यानी कि आप प्रेमी प्रेमिका थे लेकिन काफ़ी दिनों से आपके संबंध आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ टूट गए हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप इस महीने प्रयास करके देखें, आपकी बातचीत हो सकती है और आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ सकता है। और जिन लोगों के प्रेमी प्रेमिका मीन राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं या कर्क राशि के हैं, तो उनको तो और भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे मई के महीने में। तो मई के महीने में प्रेम संबंधों के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर है वो मई के महीने में पूरे महीने वृषभ राशि में है, तो अच्छा गोचर है, तीसरे भाव में रहेगा। तो तीसरे भाव का गोचर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा गोचर है, तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरु की दृष्टि भी रहेगी, जो कि आपके राशि स्वामी और दशम भाव के स्वामी भी हैं।
तो इस समय पर जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और मंगल और शुक्र भी बृहस्पति के साथ गोचर में आएंगे, उनकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो विवाहित लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय आप अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रखेंगे, आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा और पारिवारिक मुद्दों पर भी आपके जीवन साथी के विचार आपसे मिलेंगे और पारिवारिक मुद्दों में भी आपका तालमेल बनता हुआ दिखेगा आपके साथी के साथ। जो लोग अविवाहित हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस महीने पूरी हो सकती है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां आपकी तलाश पूरी हो सकती है, आपको मनचाहा साथी मिल सकता है। आपका साथी आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध सामान्य रखेगा, लेकिन पारिवारिक संबंधों में दूसरे भाव में राहु का गोचर है, इस बात का ध्यान रखना है। अष्टम भाव में केतु का गोचर है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे भाव में राहु की गोचर होने से परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव आपके साथी को लेकर हो सकता है। तो 15 मई तक राहु के साथ सूर्य भी वहाँ पर रहेंगे, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा कि आपके जीवन साथी को लेकर आपके परिवार के लोगों के साथ कोई भी व्यर्थ का तनाव ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस दौरान फिर आपके व्यर्थ के वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान आप भी करें। अब आप अपने जीवन साथी को भी बोलें कि वो घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और जितना अच्छा हो सके कि बड़ों के साथ आप अपनी बाणी पर नियंत्रण रखें, तो ये अच्छा होगा और आपका जीवन साथी भी बाणी पर नियंत्रण रखेगा तो अच्छा होगा, परिवार में एकजुटता फिर दिखाई देगी। और 15 मई के बाद थोड़े हालात अच्छे हो जाएंगे परिवार को लेकर। तीसरे भाव में बुध और सूर्य की युति होगी, तो यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और सूर्य जो है आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे और आपको पारिवारिक संबंध अच्छे होते दिखाई देंगे आपके जीवन साथी के साथ। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है कि आपके जीवन साथी के संबंध आपके परिवार वालों के साथ अच्छे रहें, बाकी आपके साथ आपके जीवन साथी के संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं या फिर आप किसी लंबी यात्रा का प्लान कर सकते हैं, आपके संबंध मजबूत होंगे। अगर पहले से कोई शादीशुदा जीवन में विवाद चल रहा था, तो ये समय आपका ऐसा चल रहा है मई का महीना जब आप प्रयास करें आपके विवाद हल हो सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। अगर उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन ही आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो ये 7 दिनों का हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें, केले के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं और चने की दाल अर्पित करें और मंदिर में भी कुछ थोड़ी सी दाल पुजारी को दान में दें, चने की दाल, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन आप बेसन की मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और स्वयं भी ग्रहण करें और भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं, पीले कलर के फूल अर्पित करें, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो सुन लें, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। ये गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं ये उपाय। तो इनमें से जो भी उपाय कर सकते हैं मित्रों कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।